आज हम बनाएंगे बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी हलवाई के जैसे शुगर कोटेड शक्करपारे, जो कि मुंह में जाते ही ना घुल जाए और घर की चीज़ों से बिना मेहनत और झंझट के आसानी से फटाफट से बन जाते हैं। और इन्हें आप बना करके लगभग 1 महीना तक स्टोर भी कर सकते हैं। ये आसानी से ख़राब नहीं होते हैं। बच्चे हो या बड़े हो, सभी इसे बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए फिर आज की इस मज़ेदार रेसिपी, यानी कि हलवाई स्टाइल खस्ता और क्रिस्पी शुगर कोटेड शक्करपारे की रेसिपी की शुरुआत करते हैं। मेरे चैनल अर्थ किचन को सब्सक्राइब करें, यम्मी रेसिपीज को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो शक्करपारे बनाने के लिए यहाँ पर हमने जो है 2 कप मैदा लिया है, और उसके बाद मोयन के लिए यहाँ पर हमने 1/4 कप लगभग, और यूँ अगर देखा जाए तो 5 बड़े चम्मच घी लिया है। घी डालने से हमारे जो शक्कर पारे हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी बनते हैं। तो इसे थोड़ा थोड़ा करके डालें, एक साथ ना डालें। तो इस तरह से हथेली से इसको अच्छे से मिक्स कर दें। तब आप देखिए कि ये शेप बन रहा है, यानी बिल्कुल भी नहीं टूट रहा है, यानी कि हमारा मोयन जो है 100% परफेक्ट है। तो बस यहाँ पर हमने 1 पिंच थोड़ा सा नमक डाल दिया है, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने इसका डो लगाने के लिए हल्के गर्म पानी का यूज़ किया है, क्योंकि मोयन के लिए यहाँ पर हमने घी का यूज़ किया है, तो गर्म पानी डालने से वो अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर जो है हमें इसका बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट या टाइट आटा नहीं लगाना है, यानी कि मुलायम और सख्त आटा नहीं लगाना है, सेमी सॉफ्ट आटा लगाना है। तो यहाँ पर हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। अब जो है 10 मिनट हो चुके हैं, तो हम इसे दोबारा से एक बार नीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसकी जो है छोटे छोटे पार्ट्स कर देंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हम इसे लंबा इस तरह से लॉक के फॉर्म में शेप दे देते हैं इसको, और उसके बाद एक चाकू लेकर के हम इसके पीसेस कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके 6 पीसेस कट किए हैं। तो बस हम इसकी जो है सॉफ्ट लोई तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको हथेली से थोड़ा सा मैश कर देंगे, ताकि ये इसके अंदर जो है दरारें जो है बिल्कुल भी ना रहे, और हमारे जो शक्कर पारे हैं वो एकदम क्रिस्पी और लेयर्ड बनके तैयार हो। तो बस अब हम इसे बेल लेते हैं। तो यहाँ पर इसे बहुत ज़्यादा मोटा और बहुत ज़्यादा पतला ना बेले, क्योंकि शक्कर पारे जब हम फ्राई करते हैं ना तो आप वैसे भी फूल जाते हैं, यानी कि साइज़ में थोड़े बड़े हो जाते हैं। तो इस तरह से एक एक करके हमने सभी शक्कर पारे जो है वो तैयार कर दें। आप देखिए इसकी चौड़ाई ना बहुत ज़्यादा मोटी है ना ही बहुत ज़्यादा पतली है। तो यहाँ पर मैंने इसके जो शेप है लंबे लंबे स्ट्रिप्स के फॉर्म में काटी है। आप चाहें तो स्क्वायर में काट लें, रेक्टेंगल में काट लें, या फिर डायमंड शेप में भी कट कर सकते हैं, क्योंकि हलवाई जो लोग होते हैं वो एकदम लंबी लंबी और पतली पतली स्ट्रिप्स के रूप में इसको शेप देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमने जो है शक्कर पारों के जो शेप है वो कट कर दिए हैं, और बाकी के बचे हुए शक्कर पारे भी हम इसी तरह से तैयार कर देंगे। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो आप इसे मोटिवेट करके हमें ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। इससे हमें और भी वीडियो बनाने में मोटिवेट होंगे हम लोग। तो बस इसी तरह से हमने इसके पीसेस जो है वो कट कर दिए हैं, और बाकी के बचे हुए शक्करपारे भी हमने इसी तरह से तैयार कर दिए हैं। अब आप देखिए ना ये बहुत ज़्यादा मोटे हैं ना ही बहुत ज़्यादा पतले हैं। तो बस हमारे सभी शक्करपारे वो तैयार हैं। तो अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। तो यहाँ पर ऑयल को हमने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था, तो इसे हमें लो फ्लेम पर फ्राई करना है, और एक साथ इस तरह से डाल दें। जब ये फ्राई होंगे तब अपना आप ही ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरह से एक चम्मच लेकर के हम इन्हें अलग अलग कर देते हैं, ताकि ये आसानी से फ्राई हो सके। तो बीच बीच में इनको थोड़ा थोड़ा पलटते रहें, और इन्हें हमें लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। तब आप देखें कि इनका जो कलर है वो कितना प्यारा आ गया, यानी कि गोल्डन ब्राउन आ चुका है। तो हम इन्हें निकाल देते हैं, और बाकी के बचे हुए शक्कर पारे भी हमने इसी तरह से फ्राई कर लिए हैं। तो आप देखिए ये कितने खस्ता और क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। मैं इनकी आपको आवाज़ सुनाती हूँ।
तो ये अभी गरम है, मैं गरम में ही आपको तोड़ के दिखा देती हूँ ये कितने सॉफ्ट और क्रिस्पी यानी कि खस्ता बन के तैयार हुए हैं, कितने लेयर्ड और अच्छे से बन के तैयार हुए हैं। तो अब बारी आती है इसकी चाशनी बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमने 2 कप जो है चीनी ली है। मेजरमेंट जो है वो जो भी आप कप या कटोरी लेते हैं वो एक ही होना चाहिए। तो जितना चीनी लेंगे उसका आधा पानी लेंगे। तो यहाँ पर 2 कप चीनी ली है, तो यहाँ पर हमने 1 कप जो है पानी डाल दिया है। तो चाशनी जो है हमको हाई फ्लेम पर पकानी है। तो इस तरह से देखें आप कि धीरे धीरे हमारी चीनी जो है वो मेल्ट हो चुकी है और इसमें अच्छे से बॉईल आने लग गया है। तो हमें यहाँ पर एक तार की चाशनी बनानी है। तो यहाँ पर आप देखें कि हमारी जो चाशनी है वो बन के तैयार है। तो बस गैस की फ्लेम को कर देंगे लो और हमारे जो शक्कर पारे हैं वो इस गर्म चाशनी के अंदर डाल देंगे और इसे हमें 2 से 3 मिनट के लिए और पकाना है, यानी कि अच्छे से ही हमारी जो चाशनी है वो इसके ऊपर आसानी से कोटेड हो जाए, क्योंकि ये बाहर से तो चाशनी चढ़ जाती है, अगर हम इसे अच्छे से नहीं डालेंगे नहीं पकाएंगे तो अंदर से वो ऐसे ही फीके रह जाते हैं। तो बस 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये पक चुके हैं। तो बस गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें और अब आप देखें कि हमारे जो शुगर कोटेड जो शक्कर पारे हैं वो तैयार है और दिखने में जितने अच्छे दिख रहे हैं खाने में कहीं ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बन के तैयार हुए। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से भी इसमें शुगर सिरप जो है हमारी चाशनी वो अच्छे से जा चुकी है और इसे आप बना करके लगभग 1 महीना तक स्टोर करके रख सकते हैं। बाहर कहीं ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आप इसको साथ में ले जा सकते हैं, ये आसानी से ख़राब बिल्कुल नहीं होते हैं। तो क्यों ना आप भी अपने घर पर इन शुगर कोटेड शक्कर पारे की रेसिपी को ट्राई करें, आपको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की ये शक्कर पारे की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें। तो बने रहिए इसी तरह की और नई यमी रेसिपी के साथ।